आज हम आपको सबसे पहले श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी आश्रम बिजवासन के बारे में कुछ बताना और दिखाना चाहते हैं। श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी सदियों पुराना है। इस आश्रम में श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी ने तप किया था। आज इस आश्रम में शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, पार्क की सुविधा व भक्तों के रहने की सुविधा, साथ ही साथ संत महात्माओं के रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। ये आश्रम बिजवासन गांव की जगह में बना हुआ है। आश्रम के लिए बिजवासन गांव ने लगभग 4 एकड़ जमीन दे रखी है। अब इस आश्रम की देखरेख बाबा रविपुरी की अगुवाई में की जाती है। बाबा रविपुरी श्री श्री 1008 प्रकाशपुरी के परिवार से ही है, जो कि अब इस आश्रम का पूरा ध्यान रखते हैं। श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी आश्रम में समय समय पर भंडारे व अन्य आयोजन होते रहते हैं। इस आश्रम की मान्यता इतनी है कि बिजवासन गांव व आसपास और दूर दरार से लोग आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आज श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी आश्रम में छठ ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तरफ से श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी के भजन व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत व महाराज पहुँचे और श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी के भजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने हाथों से भंडारे में भोजन बनवाया और आश्रम में सेवा करते हुए नजर आए। बाबा रविपुरी ने सभी संत व महाराजों को मान सम्मान किया और प्रसाद ग्रहण करवाया। इस मौके पर हर खबर की टीम से बाबा रविपुरी मंदिर की देखरेख करने वाले महाराज व वहां पर आए संत महाराज भक्तों से बात की। महाराज की जय हो, बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। भाई ये देखो महात्मा का खुशी की अवसर है, ये बाबा प्रकाशपुरी आश्रम बिजवासन इसमें भंडारा हो रहा है। महात्मा सिर्फ महात्मा के लिए भोजन करके खुशी कराना है, खुश कराना है। आज कैसी सजावट यहाँ पे लग रही है? हाँ, बढ़िया रौनक हो रहा है, बहुत अच्छे रौनक हो रहा है बाबा का आश्रम। 1008 के नाम से ये फेमस है, तो क्या कहना चाहेंगे? साधु संत बाबा तो यही चाहता था भाई, साधु संत की सेवा करो, जीवन में एक ही कमाई है, साधु संत पतित फकीर गरीब की भोजन कराओ, ये की लक्ष्य है साधु की। और क्या लक्ष्य है? आशीर्वाद है, सबके ऊपर आशीर्वाद है। मुझे आज मैंने घर श्री श्री 1008 का विश्वास रखा है, उसमें आज महात्माओं के लिए सारा और संगीत का आयोजन किया है, किया गया। हमारी इच्छा थी साधु संतों की सेवा करें, उनको अच्छा भोजन खिलाएं, उनको अच्छी मान सम्मान करें, बस इसी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए भंडारा कर रहे हैं।
इसका मेन मकसद यही है कि साधु संतों को हम चाहते हैं यहाँ से उनकी आत्मा खुश हो के जाए। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहेंगे परमपिता परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि दे और गांव को शुद्ध बुद्धि दे और हम साधु संतों की सेवा जिंदगी भर करते रहे। क्या कहेंगे आज यहाँ पे आए हुए विश्वासन जो श्री श्री प्रकाश जी का 108वां मंदिर है उसमें आप? मंदिर बहुत ही सुंदर है, उच्च कोटि के महात्मा थे और स्थान भी बहुत कीर्तिमान है। यहाँ जो साधु संत और जो भक्तजन आते हैं वो बड़े प्रसन्नचित होते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। बहुत सिद्ध पुरुष महात्मा थे, यहाँ बड़े बड़े महात्मा आ भी रहे हैं। आयोजन को लेके आज गांव की तरफ से संतों का भंडारा है, दूर दराज से सारे संत पधारे हैं, अखाड़े के भी संत आए हैं, सभापति से लेके सब बड़े बड़े संत आए हैं और यहाँ हमेशा के लिए अन्न क्षेत्र चलता है, गरीबों का भोजन वगैरह मिल जाता है और ये संतों की सेवा होती है, रहती है यहाँ। और ये हर साल में एक भंडारा ऐसे बड़ा हो भी होता है, बाकी छोटे मोटे भंडारे गांव के होते ही रहते हैं यहाँ। और बाबा प्रकाशपुरी के नाम से ही है, बाबा प्रकाशपुरी ने ये आश्रम को चालू किया था, चेतन किया था और आज बाबा के नाम से ही, प्रकाशपुरी के बाबा के नाम से ही है। और रविपुरी भी आए हैं, वो प्रकाशपुरी के परिवार के ही संत यहाँ बैठे हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सौभाग्य का संत इकट्ठे हुए हैं, आज वार्षिक भंडारा प्रतिवर्ष इस दिन, आज के दिन एक और नियम है हमारे संतों में मरण तिथि को मनाते हैं और गृहस्थों में जन्म तिथि को मनाते हैं। गृहस्थों के लिए बर्थ डे होता है और संतों के लिए मृत्यु डे होता है, जिसको कहते हैं हम अंतिम दिवस महाप्रयाण दिवस। आज का जो दिन है हम संतों के लिए बहुत अच्छा है, हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं और उसी याद करते समय सभी संत इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के सब लोगों को बड़े भाव से आशीर्वाद देने के लिए संत दर्शन सबको हो रहा है यहाँ। तो संत दर्शन का लाभ है सभी पापों को भस्म कर देना, सभी पाप संत दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, ऐसी कामना श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी बता रहे हैं कि संत दर्शन के माध्यम से सभी लोगों के जितने भी पाप हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप, वो सब संत दर्शन से नष्ट होते हैं। और आज ऐसा सौभाग्य सब भाइयों को, हम लोगों को संत दर्शन का लाभ मिला है प्रकाशपुरी आश्रम में, जो कि दिल्ली में ब्रजवासिन में स्थित है। और इसी के साथ आपकी श्री श्री प्रकाशपुरी का 108वां बड़ा बढ़िया भंडारा है, आयोजन बहुत बढ़िया है और हम सब पापा के सेवक है, आश्रम के सेवक है, बस वही है हमारा और वही करते रहे। हाँ, बाबा रविपुरी जी आए हुए हैं, रशी में से भी आए हुए हैं बाबा जी, हमारे गौतमपुरी जी भी हैं, बहुत बाबा भी हमारे। गांव के सभी भगत, जितने गांव के भगत है ना सारे, अपने गांव के बच्चे हैं, सब देख रेख करते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।